सो हे गाइज वेलकम टू माई चैनल जूलॉजी वाइब्स होप यू एल आर गुड एंड फाइन सो आज हमारा लेक्चर नंबर फोर है फाइलम आर्थपोडा का और आज के इस लेक्चर में हम ऑर्डर आदर, ऑर्डर्स पढ़ेंगे पिछले लेक्चर में हमने आ, क्लास आर के देखा था और आज के लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ आर्किनीडिया देखेंगे इसके ऑर्डर्स में भी इलेवन टू ट्वेल्व ऑर्डर्स हैं हम सबको डिटेल में करेंगे आज सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स गेट्स टू स्टार्ट आवर लेक्चर सो ऑर्डर ऑफ क्लास आर के नीडिया तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर है स्कॉर्पियंस ये, ये जो इंक्लूड्स करता है स्कॉर्पियंस इंक्लूड करता है स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू इंक्लूड्स करता है जो इसके एग्जांपल है पालामिनास ब्लूथूथ और बहुत सारे एग्जांपल्स है देयर एब्डोमिनेंट एंड इन स्टिंगिंग पैराटस स्कॉर्पियंस हैव पेयर ऑफ पैक्युलर कॉम लाइक सेंस और पैक्टिन ये जो स्कॉर्पिय uh, होते हैं इनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं बहुत अजीब से होते हैं पैकुलर होते हैं कॉम लाइक -like होते हैं कंगल के जैसे होते हैं और उसको हम पैक्टेंस कहते हैं और इनके एबडामन में एक स्टिंगिंग एपरेटस होता है जो वेनमस होता है मतलब डेंजरस होता है पॉइजनस होता है जो एपराइटस होता है दिस आर लोकेटेड वेंट्रली बिहाइंड द जीनाइटल प्लेट्स एंड अटैच टू द सेकेंड एबडामल सेगमेंट्स ये जो पैक्टिनस होते हैं ये वेंट्रली होते हैं मतलब जहाँ से uh, जो इनकी बॉडी जो जमीन से अटैच होती है जहां से डाउन टू अर्थ होती है जो साइड बॉडी वहीं से वहीं पे प्रेजेंट होते हैं द सेगमेंट स्कॉर्पियंस में सेवन पेयर्स ऑफ ऑस्टिया होता है मतलब अगर ये ये एक स्कॉर्पिया है हमारा ये पूरा स्कॉर्पियन है तो इसमें ऐसे हर्ड बने हुए होंगे एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर मतलब कुछ इस टाइप से हड बने हुए होंगे और वो अलग अलग चैम्बर में होंगे मतलब अलग अलग सेगमेंट ऐसे ये ए, एक सेगमेंट में एक है ये दूसरे सेगमेंट में दूसरा तीसरे सेगमेंट में तीसरा चौथे सेगमेंट में चौथा ऐसे सेगमेंट वाइज होंगे तो ये सेवन प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो ओपनिंग होती है जैसे एक आ, एक यहाँ है तो यहाँ से ये खुला हुआ है फिर यहीं से दूसरा इससे अटैच है फिर ये नीचे से ओपनिंग इसी को ऑस्टिया कहते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग होती है एक दूसरे से एक के बाद एक एक के बाद एक लगी हुई होती है अटैच होती है एक दूसरे से और सेवन पेयर्स होते हैं स्कॉर्पियंस के अंदर जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे आप इसका क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्लास की विच इज़ पेल्प, पेल्पीग्रडी पेल्पी ग्रडी जो होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं पेल होते हैं पेल येलोइश कलर के होते हैं और आईलेस होते हैं मतलब आइज नहीं होते हैं आईलेस आर्किनेट्स आर्कनेट्स होते हैं इनके पास आइज नहीं होती है इनकी जो हाइट होती है जो भी लेंथ होती है वो वन, वन, वन मिलीमीटर से कम होती है they can be recognized by presence of elongated tail like structure flagellum that may then uh, makes them appear superficially like scorpions however its flagella are frequently break off इसके जो इसके एंड में जैसे टेल्सेंस होता है scorpions में ये जो टेल्सेंस होता है scorpions में तो इसके एंड में टेल्सेंस नहीं होके फ्लेजिला प्रेजेंट होती है जो बहुत फेडरी होती है बहुत ज़्यादा फैदरी होती है वो और वो आगे जाके जब यह टूट सकती है इन फ्यूचर वो टूट सकती है अगर कुछ हार्म हुआ किसी भी रीजन से वो टूट सकती है वो इनकी बॉडी से सेपरेट हो सकती है तो वो टेल लाइक -like स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैजिलम होती है ना कि वो टेलसेंस होती है और ये नॉन -वेन, नॉन वेनमस होती है जो ये फ्लाजिलम होती है इन्हें स्कॉर्पियंस का लुक देते हैं इसीलिए इन्हें हम दूर से देखने में लग सकता है द फ्लाजीम डज नॉट बीअ स्टिंग कोई स्ट्रिंग नहीं होता एंड कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैलसन टैलसन का कैरेक्टरिस्टिक होता है मतलब कि हाँ टैलसन जैसी टेल प्रेजेंट है टैलसन को टेल ही तो कहते हैं बेसिकली तो टेल प्रेजेंट है बट वो फ्लैजिलम है उसमें कोई स्ट्रिंगिंग मटेरियल नहीं है कोई वेनमस मटेरियल नहीं है जो ट्रू ट्रू स्कॉर्पियो का टैलसन की तरह दिखता है इसका एग्जाम्पल है यूकोइनिया uh, यहाँ आप, आप इसकी इमेज देख सकते हैं ये जो है ये इसका फ्लैजिलम है इसी को हम कह रहे हैं ये कोई आपको कोई कोई देखिए पे आपको चीज़ नहीं दिखेगी एकदम सा फैदरी है नेक्स्ट जो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है शाइजो शायजो मेडा जो है ये टेललेस होते हैं विप हैं विप स्कॉर्पियन मतलब फेदरी होते हैं फैदरी लाइक स्कॉर्पियस होते हैं द ऑर्डर इज नॉट वाइडली स्टडी ज़्यादा मतलब uh, इतने डीपली इन्हें पढ़ा नहीं गया है ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है इसके बाद मगर फिर भी तीन सौ स्पीशीज जो हैं इस शाइजोमोइ्स के वो प्रेजेंट हैं और बाकी सारे अभी कोई डिस्क्राइब ही नहीं हुए हैं uh, मतलब डिस्कवर नहीं हुए हैं अभी वर्ल्ड वाइल्ड में बहुत सारे अनरीवील है अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कोई टेल नहीं है इट हैज़ नो टेल तो जो हमारा फोर्थ ऑर्डर है हम उसकी बात करते हैं विच इज ऑर्डर यूरोप आएगी यूरोप आईगी जो है ये विस्प स्कॉर्पियंस होते हैं इसके टेल जो होते हैं बहुत फैदरी होते हैं बहुत ज्यादा फैदरी होते हैं अगर ये इसका टेल है तो पूरा फैदरी फेदरी होगा इसका एग्जाम्पल है थैलीफाइनस आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं इसके टेल है फैदरी है हेयर है, लाइक स्ट्रक्चर है बहुत सारे हैस, हेयर्स स्ट्रक्चर एक्सटेंशन है इसलिए वेप स्कॉर्पियंस है नेक्स्ट इसका जो इसका फिफ्थ ऑर्डर है विच इज एरेनिया ये जो कंप्राइज करते हैं स्पाइडर कंप्राइज करते हैं स्पाइडर्स सर एयर ब्रीदिंग अर्थ पोर्ट डेट हैव एट लैक्स आठ पैर होते हैं इनके पास कैलिकरी विथ फैंग जनरली एबल टू इंजेक्ट वेनमस एंड स्प्रिंट डेट एक्सक्रूड सिल्क एग्जाम्पल जो है इसका वो है लेटरोडक्टस ब्लैक विडो स्पाइडर एनक्सट्रा एक्सेट्रा तो यहाँ पे बेसिकली जो ये स्पाइडर है ये एयर ब्रीदिंग आर तो पोर्ट्स हैं इनके पास ए आठ लेग्स होती है आठ पैर होते हैं इनके पास कैलिक्राई प्रजेंट होती है फैंक्स प्रजेंट होते हैं फैंक्स, है। फैंक्स एक ना के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिम्स को डेड करने के लिए काम आते हैं जैसे जो स्नेक्स में फैंक्स प्रजेंट होते तो वो वेनिमस होते हैं वैसे इनमें भी किसी किसी में वेनमस होता है किसी किसी में नॉन वेनमस होता है जो अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके पास ये वैनम होता है इसके पास इसके पास वैनम होता है ये वैनम इंजेक्ट कर देता है और इसके पास सिल्क ग्लैंड होता है जिससे इस एंड स्पेंटर्स होते हैं जिससे ये सिल्क को एक्सक्लूड करता है डिफेंस के लिए भी एक्सक्लूड कर सकता है नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं वो है इसका सिक्स ऑर्डर नंबर सिक्स विच इज़ आएगी एम्ब्लेफाईगी एम्बलेफाईगी नाम से ही पता चलता है ये जो होते हैं ब्लंट होते हैं एम्ब्लीफाइगी जो है नाम से पता चलिए ये ब्लंट होते हैं इनकी जो टेल होती है वो ब्लंट होती है इनके पास कोई फ्लैजिलम नहीं होता डैट इज अदरवाइज सीन इन स्कॉर्पियन ये भी स्कॉर्पिय होते हैं और ये ज़्यादातर अफ्रीकन कैस ड्यूलिंग बोलते हैं इनके आल्सो नोन ऑल्सो दिस आर ऑल्सो अफ्रीकन केव ड्यूलिंग अफ्रीकन की जो केव होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं

कोई टेंसन नहीं है कोई फ्लैजिलम नहीं है कुछ ही नहीं है बिल्कुल ब्लंट है कुछ है ही नहीं नेक्स्ट जो उसके क्लास नंबर सेवेंथ है वो है राइकनी हैली ये जो होते हैं स्मॉल बहुत छोटे होते हैं बहुत छोटा है इसका ऑर्डर मतलब साइज भी बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा वाइड रेंज भी नहीं है आर नोन एंड टिक स्पीडर स्पाइडर मोस्टली कन्फाइंड टू अफ्रीका एंड अमेरिका ज्यादातर अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाते हैं जो ये टिक स्पीडर्स भी बोला जाता है इन्हें नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इनका आठवां ऑर्डर है वो है सूडो स्कॉर्पियंस सूडो स्कॉर्पियंस ऑल्सो नोन एज फॉल्स स्कॉर्पियंस और बुक स्कॉर्पियंस आर स्मॉल फाउंड बनीथ बार्क स्टोन्स एक्सेट्रा ये सूडो स्कॉर्पियस हैं नाम से पता चल झूठे स्कॉर्पियंस है भाई ये ये स्कॉर्पियंस है हाँ ही नहीं उसके नाम पे धब्बा है बेसिकली ये जो स्कॉर्पियंस ये बुक शेप मतलब बहुत छोटे से होते हैं बुक मतलब बुक शेप के नहीं होते मतलब छोटे से होते हैं जो पत्तों के नीचे पाए जाते हैं पत्थरों के नीचे पाए जाते हैं और यहाँ पे आप इनका साइज देख ही सकते हैं कि ये नेल्स के ऊपर कितना छोटा है तो ये कहाँ से स्कॉर्पिय होगा नेक्स्ट जो है इस इसकी एक और क्लास जो है क्लास नंबर नाइन्थ वो है सॉलीफ्यूगे सॉलीफ्यूगे को जो है कॉमन सन स्पाइडर भी कहते हैं और विंड स्कॉर्पियन भी कहते हैं दे लिव अंडर स्टोन्स एंड सर्विसज एंड मैनी आर बोरोइंग फॉर्म्स मेजर अ मैक्सिमम ऑफ सेवन सेंटीमीटर ज़्यादातर इनकी जो हाइट होती है जो लेंथ होती है सेवन सेवेंटीमीटर जाती है इन्हें सन स्पाइडर भी कहा जाता है ये डेंजरस होते, है, होते हैं वेनमस होते हैं वेनमस होते हैं और विंड स्कॉर्पियंस बोलते हैं मतलब बहुत जल्दी स्पीड में मूव कर सकते हैं ये बहुत जल्दी मूव करते हैं इसलिए इन्हें विंड स्कॉर्पियंस कहते हैं अगला जो ऑर्डर है ऑर्डर नंबर टेन ऑली ओपिलियंस uh, ओपिलियंस और इन्हें uh, फैला uh, फैला गिडा भी कहा जाता है इन्हें कॉमनली जो होता है हा हार्वेस्टमैन मैन और डैडी डैडी लॉन्ग लेग्स कहते हैं ये जो uh, डैडी लॉन्ग लेग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो uh, वो अपेंडिसिस होती हैं बहुत लंबी लंबी होती है इनके जो लेग्स होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं इन हैविट ह्यूमन प्लेसेज बोथ इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन

मतलब इनकी जितनी बॉडी होती है उसको तो दो तीन बार ही क्रॉस कर जाए इतनी लंबी होती है मतलब उसके दो दो तीन दुगने लंबी इनकी जो लेग्स होती हैं इन ओपिलियंस की जो लेग्स होती हैं और ये ट्रीज व्रीज में पाए जाते हैं इनकी हाइट जो होती है ज्यादा फाइव टू टेन मिलीमीटर mm से ज़्यादा नहीं जाती है अब हम बात करते हैं अपने अगले ऑर्डर की जो अगला हमारा अगला ऑर्डर है वो है ऑर्डर एकराइना कराइना है यह बहुत डाइवर्स ग्रुप है इस क्लास का एक्रिडा का बहुत डाइवर्स ग्रुप है इसमें इस जो ज़्यादातर आते हैं वो माइट्स आते हैं और टिक्स आते हैं माइट और टिक्स ज़्यादातर इनमें इंक्लूड होते हैं मैनी स्पीशीज आर एक्टोपैरासाइटिक एक्टोपैरासाइट्स ऑन ह्यूमन डोमेस्टिक एनिमल एंड क्रॉप जो ज़्यादातर होते हैं इसके स्पीशीज वो एक्टोपेरासाइट होते हैं मतलब ह्यूमन पे या डोमेस्टिक एनिमल्स जो कैटल्स वेटल्स होते हैं और जो क्रॉप होती हैं उन उनपे ये एक्टोपेरासाइट होते हैं मतलब उनके बॉडीज के बाहर अटैच रह के उनसे अपना जो फूड मटेरियल है वो ले वो इंटेक करती है नियरली नियरली थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड स्पीशीज हैज़ बीन डिस्क्राइब दिस फार बट मैनी मोर अनडिफाइंड स्पीशीज स्टिल एग्जिस्ट तीन तीस हज़ार स्पीशीज़ जो हैं इसकी डिस्क्राइब हो चुकी हैं बट अभी भी बहुत सारी जो है वो रिवील ही नहीं हुई है बहुत सारी अन आइडेंटिफाइड हैं दे आर जनरली मेजर्स पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन फाइव मिली पॉइंट टू फाइव से पॉइंट सेवन फाइव मिली तक होती है टिक्स आर स्लाइटली लार्जर सम स्पीशीज़ में रिच अप टू थ्री सेंटीमीटर इन लेंथ टिक्स जो होते हैं वो बहुत स्लाइटली लार्जर होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और इनके जो स्पीशीज होते हैं वो थ्री सेंटीमीटर तक रेंज में जा सकते हैं हाइट में द स्मॉल साइज हैज़ एनेबल देम टू इनहेबिट मैनी माइक्रोफेन सच एज ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट विंग्स ऑफ बीटल क्विल्स फैदर ऑफ बर्ड्स एंड हेयर ऑफ़ एनिमल्स मतलब ये इतने साइज में छोटे होते हैं इनका छोटे साइज में होने का बहुत प्रॉफिट ये है बेसिकली ये इंसेक्ट्स के ट्रैकिया में प्रेजेंट हो जाते हैं चले जाते हैं वहाँ पे रह लेते हैं बीटल्स के विंग्स में, में रह लेते हैं वो फैदर्स में रह लेते हैं बर्ड्स की और ह्यूमन uh, स्किन पे जो हेयर्स होते हैं uh, uh, जो मैमल्स पे जैसे मंकीज वंकीज पे जो हेयर्स होते हैं उन पे uh, भी उन पे भी ये रह लेती हैं बिना किसी दिक्कत के बिकॉज इनका साइज होता है बहुत स्मॉल होते हैं द हेड रीजन कैरिंग द माउथ पार्ट कॉल कैपिटलम एंड गनेस्टोटोमा जो हेड रीजन होता है वो दो तीन सेगमेंट से फ्यूज होकर बना होता है और उसे uh, कैपिटुलम uh, कहते हैं कैपिटुलम कहते हैं वो माउथ पार्ट्स को कंटेन करता है द स्ट्रक्चर कॉल्ड बकल कोन और उस स्ट्रक्चर को हम बकल कोन कहते हैं इज अटैच टू द एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी लाइक सॉकेट दैट कैन एक्सटेंड और रिट्रैक्टेड जो बकल कोन होता है वो एंटीरियर पार्ट से अटैच uh, होता है मतलब जो माउथ वाला पार्ट है उधर से ही अटैच होता है ये एंटीरियर साइड से अटैच होता है लाइक अ सॉकेट सॉकेट की तरह अटैच होता है ताकि वो किसी भी होस्ट से अटैच हो सके द द कैलिकरी एंड पेडी एंड द पेडी पाल्पी आर मॉडिफाइड टू पर्सिंग बाइटिंग अटैच टू द बकल कोन एंड अटै जो ये कैलिक्राई होता है और पेडी पल होती है मॉडिफाइड होती है इनमें बाइटिंग के लिए पर्सिंग के लिए मतलब टीयर करने के लिए टिश्यूज को डैमेज करने के लिए काटने के लिए इन सब के लिए मॉडिफाइड होती है और ये बकल कोण में ही प्रेजेंट होते हैं सारे जो बकल कोण में ही ये कैलिक्राई और पेडी पल्पी जो होते हैं बकल कोन में प्रेजेंट होते है। हैं इनकी जो फीडिंग है ये दो तरीके से फीड करते हैं फीडिंग हैबिट जो है इनका दो तरीके से है फीडिंग करते हैं पहला जो है वो है फ्री लिविंग और दूसरा जो है पैरासिटिक फ्री लिविंग में हर हरबी वैरस होते हैं सारे स्कॉबेंजेस होते हैं दे डैमेज ऑर्नामेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्लांट जो फ्री लिविंग में आते हैं वो हर भी वेरस होते हैं स्कॉर्बेंजेस होते हैं डेड डी के स्कॉर्बेंजेस मतलब डेड डी के ऑर्गेनिज में वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए और वो एग्रीकल्चरल प्लांट इन सबको डैमेज करते हैं मगर जो पैरासिटिक होते हैं वो परमानेंटली अटैच तो नहीं होता होस्ट से बट कुछ टाइम के लिए अटैच होते हैं होस्ट से वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट मैमल्स वैमल्स से अटैच होते हैं अपना फूड इनटेक करते हैं बेसिकली ज्यादातर फूड जो हो जाता है वो ब्लड इनटेक करते हैं लोग बर्ड से ब्लड सक करते हैं तो उसी के लिए रहता है तो लाइफ टाइम नहीं रहते परमानेंटली नहीं रहते अपना फूड इन करने के बाद उसे तो छोड़ देते हैं जो होस्ट होता है पैरासाइट ड्यूरिंग इट्स लार्वल फॉर्म इट्स लारवल फॉर्म इट पेनिट्रेट इन स्किन रिलीजिंग द स्किन डिजोल्विंग एंजाइम जो इनका पैरासाइट होता है जो लार्वल स्टेज में होता है तो वो एक एंजाइम रिलीज करता है जो uh, uh, वो स्किन की जो वॉल uh, uh, होती है उसको डिजोल्व कर लेता है और स्किन में पेनीट्रेट कर जाता है ट्रू द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड अदर होस्ट ह्यूमन के अंदर किसी और के अंदर होस्ट के अंदर एंटर हो जाता है दे कॉज लोकल इन्फ्लामेसन ये थोड़े वर्ड मिस्टेक्स यहाँ पे लोकल इन्फ्लामेसन इचिंग एंड एट द साइट जो ये जो क्या करते हैं वहाँ पे थोड़ा स्वालिंग सा बना देते हैं इन्फ्लामेशन का हो जाता है वहाँ पे जहाँ से एंट्री होते हैं वहाँ पे इचिंग होती है और uh, जो जिस साइड से जाते हैं वहाँ पर एचिंग होती है इन्फ्लामेशन होता है चिकन लार्वा ड्रॉप फ्राम द होस्ट एंड माउंट टू अनदर लारवा जो चिगल लार्वा होता है इनका लार्वा होता है चिगर लार्वा वो होस्ट से गिर जाता है और माउंट हो जाता है मतलब बड़ा हो जाता है अपनी स्किन एक स्किन को छोड़ के दूसरी स्किन पे जब वो ट्रांसफर होता है तो वो एक नया लार्वे पे बन जाता है जिसे हम निम्ब कहते हैं निम्ब माउंट इन टू एडल्ट निम्ब जो है वो एडल्ट में बनता बन जाता है बोस फीड ऑन इंसेक्ट हैबिटेट्स एंड इफेक्ट ऑन एनिमल्स इन ये जो इंसेक्ट्स पे इफे मतलब इंसेक्ट हैबिट पे, इंसेक्ट्स के हैबिटेट में और एनिमल्स के इफ, उसमें इफेक्ट डालते हैं इनका जो होता है कॉपुलेशन अकर इन होस्ट ऑफ बॉडी एंड फीमेल ड्रॉप ग्राउंड टू द ले एग्स जो कॉपुलेशन होता है वो होस्ट के बॉडी में ही हो जाता है जो भी इनका होस्ट है जहाँ पे भी है उसी के बॉडी में हो जाएगा अगर ट्रैके में किसी को ट्रैके में हो जाएगा जो फीमेल होगी वो किसी भी थ्रू किसी भी स्टूल्स के थ्रू किसी भी तरीके से इनकी बॉडी से बाहर आ जाएगी वहाँ पर एग ले करेगी आके जो इनकी फीमेल होती है यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये इतने छोटे हैं ये कि ये इधर डीप डाउन है किसी किसी के बॉडी में एग्स है एग्स से लार्वा बना जो इनका लार्वा होता है वो सिक्स लेग लार्वा होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका लार्वा बनता है वो सिक्स लेग लार्वा हो जाए होता है एंड देन बनता है एंड देन एडल्ट बनता है आगे हम इसे थोड़ी डिटेल में आते हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ इंटेंस इचिंग एंड पिम्पल्स लाइक स्किन रैश ये जो इच्च माइट्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्कैसिस होते हैं माइट्स होते हैं जो अपर लेयर होती है स्किन की उसको बरो करके स्किन में बरो करके रहते हैं वहीं पर अपना एग ले कर देते हैं और इसका जो मोस्ट कॉमन सिस्टम होता है इचिंग होता है पिंपल हो जाते हैं रैशेज हो जाती है स्किन में द डिजीज द एंड टिक्स की बात करते हैं आर एक्सटर्नल पैरासाइट जो टिक्स होते हैं वो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं लिविंग बाई फीडिंग ऑन ब्लड ऑफ मैमल्स बर्ड्स एंड समथिंग रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स जो ये टिक्स जो होते हैं पैरासाइट पैरासिटिक होते हैं ब्लड से uh, मेनली जो इनका फीडिंग मटेरियल होता है वो ब्लड होता है ब्लड से ही अपना फूड उड इन करते हैं डिजीज आर सम ऑफ ह्यूमन डिजीज कॉज बाय टिक्स टिक्स भी जो uh, जो कॉज करता है वो स्कारपोटिस स्कारपोट्स एंड स्कॉर्बाइज कॉज करता है uh, seven, uh, और सेवन ईयर्स इच कॉज करता है जो इन uh, जो एपिडर्मस uh, uh, में कॉज करता है और इनका जो लार्वा बनता है अगेन वो सिक्स स्टेज लार्वा बनता है सिक्स लेग लार्वा बनता है एनिमर्स फ्रॉम एग्स द लार्वा पास थ्रू प्रोटोनिम ड्यूट्रोनिम ट्राइनिम स्टेज बिफोर बिकमिंग एडल्ट फिर जो लार्वा होता है जो सिक्स लेग लार्वा हो जाता है फिर पहले डेवलप होता है प्रोटोनिम्पिर डूट्रोलिम्फ है फिर ट्राई ट्राइटोलिम्प में एंड देन एडल्ट बनता है यहाँ पे आप क्लियरली इधर देख सकते हैं जो एग है वो सिक्स लार्वा uh, में कंप्लीट हुआ जिसके सिक्स लेग्स हैं फिर प्रोटोनिम बना फिर ड्यूट्रोनिम बना फिर एडल्ट बना किसी किसी में ट्रीट्रो ने, ट्राइटो भी बनता है किसी किसी में एबसेंट होता है सो so, अब मैं आ, बेसिक बता दूँ एक बार रिवाइज क्विक रिविजन कर लेते हैं हम आ, इस क्लास की क्लास आर की नीड़ा की क्विक रिविजन कर लेते हैं तो आ, क्लास आर की नीड़ा जो होते हैं आ, उनका जो गट होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है फोर गट मिड गट हाइड गट फोरगट जो होता है वो पंपिंग पम्पिंग फैनिंग से कैरी करता है जो फूड पंप करवाता है अंदर मिडगट जो होता है वो क्यूटिकल के लेयर से लाइन होता है एबजॉर्ब कर लेता है काफ़ी सारी चीज़ें एबजॉर्ब कर लेता है और मिडगट के ही दोनों एंड तरह एंड में हमारे मालफीजन ट्यूब्यूल्स जो है पाए जाते है। हैं हैंड कट जो होता है वो हाईली एब्जॉर्बिव होता है ज़्यादा एबजॉर्बशन वहीं से होती है एक्सक्रीशन जो होता है क्लास आर में कॉक्सल ग्लैंड और मालफीजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड निकलता है और इन इनके जो होते हैं ज़्यादातर ये कार्निवरस होते हैं जो आर्किनोड्स होते हैं ज़्यादातर कार्निवरस होते हैं और अब इनका जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो गिल्स के थ्रू होता है जो आ, आ, बुक लंग्स होते हैं उनके थ्रू होता है या फिर ट्रैकिया ट्रैकिया सिस्टम भी किसी किसी में प्रेजेंट होता है सो आज का ये लेक्चर हमारे यहीं पर ख़त्म होता है Hope you like my video. If you like my video, so don't forget to like, share, and subscribe to my channel.